कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें नेक्स्ट अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप एंड गिव इट्स एग्जांपल्स. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. एन एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स विच इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसके कारण, एटम के कारण या तो ग्रुप ऑफ एटम के कारण जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो रहती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप. तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप. सेम तो केमिकल रिएक्शन सेम अगर फंक्शनल ग्रुप है कंटेन उसके सम का कंपाउंड अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उन सब के केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर सेम. तो सेम फंक्शनल ग्रुप के सभी केमिकल प्रोसेस सेम रहेंगे लेकिन केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट. तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के केमिकल रिएक्शन डिफरेंट रहेंगे और सेम फंक्शन के सेम रहेंगे. फ्री वैलेंसी या तो वैलेंसी ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय सिंगल लाइन. तो इसको कैसे करते हैं डिनोट? सिंगल लाइन मीन्स एक बॉन्ड से. तो फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स. ओके तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन ग्रुप आपको दिए हुए हैं. लाइक फर्स्ट है अल्कोहल. तो अल्कोहल, तो अल्कोहल को OH बोलते हैं. पीछे OH आएगा, जिसके पीछे OH लगेगा उसको अल्कोहल बोलेंगे. फिर है एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड में CHO, तो C और H में सिंगल बॉन्ड और C और O में डबल बॉन्ड. फिर है कीटोन, तो C और O में डबल बॉन्ड और पास में भी एक एक बॉन्ड दिखाया हुआ है. कार्बोक्सिलिक एसिड, तो C और O में डबल बॉन्ड और ये OH दिया हुआ है और ये अल्कोहल है. फिर हैलोजन मीन्स 17, तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, तो क्लोरो ब्रोरो वो अलग अलग ग्रुप है. ओके तो ये सेम फंक्शनल ग्रुप है. ये अल्कोहल मीन्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बता देता हूँ. लाइक मिथेन है हमारे पास, मिथेन है, लेकिन मिथेन के पीछे जब भी OH लगेगा ना, CH4 का ऐसे बनता है CH3OH. तो जब भी पीछे OH बनता है ना तो उसके पीछे एनॉल लगता है. क्या लगता है? एनॉल. तो उसको हम बोलेंगे मिथेनॉल. क्या बोलते हैं? मिथेनॉल. फिर इथेन आएगा तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे करके. एल्डिहाइड जो आता है उसको एनॉल की जगह पे एनॉल बोलते हैं पीछे. फिर मिस मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे. कीटोन, फिर कीटोन को भी ऐसे ही एनॉन बोलते हैं, मिस इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ऐसे बोलते हैं. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो इथेनॉक एसिड, मिथेनॉक एसिड, ऐसे ही नाम देते. ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया आपको. तो फंक्शनल ग्रुप से क्या पता चलता है कि ये नाम, सबके नाम पीछे क्या क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, वो सब आपको फंक्शनल ग्रुप से आप पता कर सकते हो. फिर है होमोलॉजी सीरीज. व्हाट इज मेंट बाय होमोलॉजी सीरीज? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सक्सेशन विच डिफरेंट बाय द डेफिनेटिव ग्रुप लाइक CH2CH2. तो उसको बोलते हैं होमोलॉजी. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इच मेंबर ऑफ होमोलॉजी सीरीज इज सेम एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप. लाइक यहाँ पर अगर अल्कोहल की ग्रुप है तो पूरा अल्कोहल का ही ग्रुप रहेगा. सेकंड, ईच नंबर ऑफ द सीरीज कैन बी एक्सप्रेस इन जनरल फार्मूला. तो अभी बताया ना मैंने, अल्केन, अल्केन का CnH2n+2, अल्किन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2. द डिफरेंस इन द मोलिक्यूल फार्मूला बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर. तो टू सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस, तो मैं आपको बता देता हूँ CH2 का डिफरेंस कैसे होता है. तो CH2, तो आप मिथेन का, मिथेन क्या है? मिथेन में CH4, मिथेन क्या है? CH4. मीथेन का है CH4 और इथेन का है C2. मीथेन का है CH4, इथेन का है C2H6. तो देखो इन दोनों में सी एक एक ज़्यादा है और H2 ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? CH2 का. इन दोनों का भी CH2 का. तो दो हर एक में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है. देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द 4 एटॉमिक यूनिट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास. तो दो नंबर है लाइक मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो सभी दो सक्सेसिव में 4 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस रहेगा. सेम नंबर ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स इज अप्लाइड ईच नंबर ऑफ द सीरीज. मैंने बताया ना, अगर अल्कोहल है तो एनॉल लगेगा, एल्डिहाइड है तो एनॉल लगेगा, तो सेम लगेगा सब में. ईच मेंबर ऑफ होमोलॉजी सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप एंड गिव सेम केमिकल रिएक्शन. तो अगर मिथेनॉल की हाइड्रोजन के प्रोसेस होने से अगर एसिड मिलता है तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल सब में एसिड मिलेगा, मीन सेम सेम प्रोसेस में सेम सेम मिलेगा. ओके द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेंबर ऑफ सीरीज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द एटम ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन. हिन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर मास इज बेस्ड ऑन. ओके तो ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब है ना, वो ग्रेजुअली चेंज होता रहता है. ओके
तो ये होमोलॉजी सीरीज में भी ये सब कुछ जो है डेंसिटी सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब कुछ थोड़ा सा चेंज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टी सबकी क्या रहेगी? सेम। एंड द मोलिकुलर मास ऑफ द मेंबर्स मोलिकुलर मास ऑफ द मेंबर ऑफ सीरीज इंक्रीज ड्यू टू जब जब कार्बन और हाइड्रोजन का एटम का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही सीरीज का नंबर या तो मोलिकुलर मास भी कैसा आपका बढ़ता जाएगा। तो ये हो गए होमोलॉजी सीरीज, और ये होमोलॉजी सीरीज की उनकी कैरेक्टरिस्टिक टॉर्च फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉजी सीरीज के बारे में देखा। ओके।